जो सीरा पेश करके सरबजी अवैसी का सहारा बना था, सरबजी अवैसी का तहफुज किया था, उस समय उल्ला खान के तुम मेरे बेटे हो। हम सारे सब मुसलमान या बताओ इस वक्त अंदर एक मुसलमान हाथ उठा के बताओ कि वो शरीयत में मदाखलत के बाद अहमान में मदाखलत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, खामोश बैठेगा? कोई मुसलमान खामोश बैठेगा क्या? इसमें ईमान है वो खामोश नहीं बैठेगा। ये ईमान की निशानी नहीं, ये क़यामत की निशानी है कि ख़ियादत के नाम पर शरीयत को मदाखलत के बाद अहवाल में बैठे हो, रिश्तों के साथ हो, कैसीआर के साथ हो। वो कैसीआर जिसने बीजेपी के तनाखा सलासा के ऑर्डिनेंस में बीजेपी का साथ दिया, खामोश साथ दिया, वॉकआउट करा, आज तुम उसका साथ देते हैं जो शरीयत में मदाखलत करने वाले नरेंद्र मोदी का साथ कैसीआर दिया। शर्म आना चाहिए तुमको, तुम किस बात का लक्ष्य है? अरे ऐसे सब एमपी के सिर्फ और बाइक कर दूंगा शरीयत पे, ऐसी आज बोल रहे कि कैसे भी फरक खान को हरा के, ठीक है। इनका ख्याल ये है कि केसीआर की हुकूमत इनकी ताईद में है, केटीआर इनके साथ, रुश्वतखोर ओहदेदार इनके साथ, हर गैर समाजी कारोबार करने वाले सूखार फाइनेंसर लैंडलॉर्ड शराबी सानी हर कोई इनके साथ, और ये आखत के भरोसे इलेक्शन लड़ रहे। मैं अपने ईमान के भरोसे